नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने सोमवार को कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज की सुविधाओं की जानकारी ली। विशेष वार्ड में 207 सिलेंडर क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट यूनिटों का उद्घाटन किया। उन्होंने कोरोना वार्ड में भर्ती रोगियों से व्यक्तिगत मिलकर इलाज में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उनके परिजनों से भी मुलाकात की। आखिर मॉनसून विदा हो रहा है। बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, अमृतसर और बठिंडा के रास्ते मॉनसून की विदाई शुरू हो गई है। चूरू को छोड़ बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से औसत से कम बारिश हुई। चूरू में सामान्य से 28% ज्यादा, जबकि बीकानेर में सामान्य से 4%, श्रीगंगानगर में 17% और हनुमानगढ़ में 16% बारिश कम हुई। 28 सितंबर को मॉनसून की विदाई शुरू हुई, लेकिन पूरी तरह मॉनसून 30 सितंबर तक विदा होगा। अनाथ और बीपीएल परिवार की मेधावी बेटियों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था करेगी और यह सब मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों के स्तर को ऊपर उठाना है और इससे अब अनाथ बेटियों को शिक्षा का सपना पूरा हो सकेगा। चयनित बेटियां खेलकूद, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तो सरकार उसे अलग से वित्तीय सहायता प्रदान भी करेगी। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद कृषि श्रेणी के कनेक्शन में स्वैच्छिक लोड बढ़ाने की घोषणा 31 दिसंबर तक की गई है। जोधपुर डिस्कॉम एमडी अविनाश सिंघवी ने बताया कि इसके तहत कृषि उपभोक्ता अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा के अनुसार बिना पेनल्टी राशि के मात्र ₹30 प्रति एचसी प्रतिमाह की दर से 2 माह के लिए धरोहर राशि जमा करवाकर नियमित करवा सकेंगे। कृषि उपभोक्ताओं के माह मार्च, अप्रैल, मई व जून के बिलों का भुगतान गत 30 जून तक स्थगित किया गया है और अब ऐसे उपभोक्ता जो अपने बिल की राशि जमा नहीं करा पाए उन्हें राहत देते हुए कृषि उपभोक्ताओं द्वारा लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी या विलंब शुल्क की छूट दी है। बीएचयूपी परियोजना के तहत कच्ची बस्ती के लोगों के लिए बने आवासों को जेडीए ने बेचकर खजाना भरने की तैयारी कर ली है। जेडीए ने 2930 आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लॉटरी से बेचने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले पात्र लाभार्थियों और कच्ची बस्ती के लोगों को बसाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अगर दोनों ने इन अवसरों के लिए आवेदन नहीं किया तो जेडीए इन आवासों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन करेगा। डूंगरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भाटपुरा में जहां 26 जून को नरेगा योजना में जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पौधे लगाए गए थे, लेकिन यहां अब तक एक भी पौधा नहीं है। दरअसल डूंगरपुर में इस बार मॉनसून आते ही जिला प्रशासन, वन विभाग, पंचायत समिति डूंगरपुर की ओर से 26 जून को ग्राम भाटपुरा तालाब की पाल पर जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पौधारोपण के 3 महीने का वक्त भी पूरा नहीं हुआ कि पंचायत की लापरवाही से यह पौधे सूख गए या नष्ट हो गए हैं। कोरोना के चलते प्रदेश में मार्च के बाद से ही स्कूल बंद है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है, लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गाइडेंस के लिए 21 सितंबर से अगले आदेशों तक स्कूल जाने की छूट दी गई थी। लेकिन एक महीना बीतने के बाद भी स्कूलों में महज गिने चुने विद्यार्थी ही गाइडेंस के लिए पहुंच रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है अभिभावकों में कोरोना का डर। विदाई की ओर बढ़ रहे मॉनसून के साथ अब चक्रवात के कारण राजस्थान में बार बार मौसम में बदलाव आ रहा है। पिछले दिनों प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के कारण हवा में नमी बढ़ी तो तापमान में गिरावट आई, जिससे मौसम में खासा बदलाव आया गया है। इधर मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बरसात की संभावना अब बेहद कम रह गई है और इधर मंगलवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ है, जबकि शेखावटी के सीकर शहर सहित कई इलाकों में सुबह आंशिक बादल छाए हुए हैं और वहीं बादलों के बीच सूरज की लुक्का छिप्पी का खेल भी बीच बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि धूप में तेजी होने से अंचल में गर्मी का एहसास भी अब बना हुआ है। गांवों की सरकार के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता समाप्त होते ही राजस्थान भर में चेहरा बदल गया है। प्रथम चरण में जयपुर जिले की 3 पंचायत समिति की 70 ग्राम पंचायतों में चुनी गई गांव की सरकार की तस्वीर अशिक्षा की वजह से काफी धुंधली नजर आ रही है। 43 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार के मुखिया की कमान कम पढ़े लिखे यानी केवल साक्षर के हाथ में चली गई है। पहले चरण में फिलहाल 61.42% ऐसे सरपंच हैं जो सिर्फ अपना नाम ही लिखना जानते हैं, यानी इनका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में रहेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन एकल महिला यानी अविवाहित शिक्षिकाओं और पुरस्कृत शिक्षकों को सरकार भूल गई।
उनके लिए इसमें किसी भी तरह का विकल्प नहीं दिया गया है और ऐसे में एकल महिलाओं को आवेदन करने में परेशानियां आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पूर्व जब तबादले किए गए थे उस दौरान पोर्टल पर एकल महिला का ऑपरेशन दिया गया था, लेकिन इस बार विभाग पोर्टल पर विभाग यह ऑप्शन देना ही भूल गया। ऐसे में इन महिलाओं के समक्ष समस्या यह है कि वह आवेदन कैसे और किस श्रेणी में करें, क्योंकि वह किसी दूसरी श्रेणी में अप्लाई नहीं कर सकती। राजस्थान सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहीं वेयर हाउस कॉरपोरेशन इनके भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था करेगा। इस संबंध में सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। मंगलवार को विभाग राज्य स्तरीय स्टेटिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग की ओर से राज्य में नवंबर में मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे में बाइक सवार बदमाश गैस सिलेंडर के डिलीवरी मैन का रुपयों से भरा बैग लेकर फरार होने का मामला सामने आया। घटना जेपी यादव पार्क के पास की है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बैग में 31,000 रुपए बताए जा रहे हैं और घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मौका मुआयना करने के साथ ही पीड़ित के बयान लेकर मामले की जांच शुरू की। खास बात यह है कि घटना उस मोटू गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन के साथ हुई, जिसके दो डिलीवरी मैन पहले भी इसी ही जगह ऐसी दो घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट से परे जिले में कतिपय निजी लैब मनमाने दरों पर अहमदाबाद से जांच करवाकर चांदी कूट रही है। शहर में भी चल रही ऐसी ही एक लैब से चिकित्सा विभाग बेखबर है। बगैर अनुमति या जानकारी के कोई भी निजी लैब जांच करवाने में सक्षम नहीं है, बावजूद लैब संचालक वारे न्यारे कह रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से 1200 रुपए में कोरोना की जांच के स्पष्ट निर्देश के बाद निजी लैब लोगों को सैंपलिंग स्थगित करने का दावा कर रही है। कई लोगों के अनाधिकृत तरीके से नमूने लेकर 2900 से 4000 रुपए तक वसूली कर जांच की पुष्टि हुई है और निजी लैब का नेटवर्क बहुत ही चुप्पी के साथ संचालित किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को कृषि बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय कि राजस्थान सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लागू होने से रोका जाए, यह कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती होगा और देश के किसानों की खुशहाली का मार्ग रोकने में गलत कदम साबित होगा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में रोड़ा अटकाने के लिए ढोंग रचकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव की तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक चुनाव करवाने को लेकर दायर राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को मंगलवार को खारिज कर दिया। अब सरकार को 31 अक्टूबर तक इन तीन जगहों के नगर निगम चुनाव को करवाने होंगे। उल्लेखनीय है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में 6 नगर निगम चुनाव स्थगित करवाने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था। सरकार ने 31 मार्च 2021 तक चुनाव करवाने की अनुमति मांगी थी और इन तीनों शहरों में दो दो नगर निगम के गठन के बाद लगातार चुनाव टलते आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।